सो हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज की इस टेक की पाठशाला में टाइटल पढ़ के आप समझ गए रहेंगे आज का वीडियो क्या होने वाला है। सो देखो, यहां पर मैं यूज कर रहा हूं Asus ROG 2 को डे वन से, जब से मार्केट में आया है उसकी फर्स्ट सेल के ही अंदर हमने इस Asus ROG 2 को यूज किया था और लिटरली ये फोन काफी सही है। लेकिन यहां पर अभी बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में Asus ROG 3 के बारे में कि अपकमिंग जो Asus ROG 3 होने वाला है उसके अंदर आपको क्या चीजें देखनी है, जो मुझे भी एक्सपेक्टेड है कि ये सब चीजें, ये सब फीचर्स मुझे यहां पर चाहिए। और कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशन लीक्स आए थे जो यहां पर आपको देखने मिलेंगे Asus ROG 3 के अंदर। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से Asus ROG 2 पड़ा है बंद। तो यहां पर एक बात बता, Asus ROG 3 आपको अभी तो फिलहाल नहीं, ये आएगा आपको अगस्त मंथ के आसपास देखने मिल सकता है Asus ROG 3 का वेरिएंट। तो शायद से तब तक चाइना का भी कुछ वो हाल ठीक हो जाए। तो यहां पर क्या-क्या स्पेक्स है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो सबसे पहले 120 हर्ट्ज आपको देखने मिलता है Asus ROG 2 के अंदर। तो जो Realme 6 आया है वो 12 से 13000 की जो प्राइसिंग है उसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने मिलता है। Poco X2 आया है उसके अंदर आपको 16000 का फोन है उसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने मिलता है। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि Asus को इस बार 144 हर्ट्ज तक जा सकता है, 120 हर्ट्ज भी ऑप्शन में भी हो सकता है। मे बी वो ज्यादा अपग्रेड ना करें, उनको लगे कि ठीक है 120 हर्ट्ज इनफ है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में तो गेम्स भी नहीं है या उसको चलाने जैसा कुछ ज्यादा है नहीं, इसी वो जो आपका UI एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा अच्छा कर देता है। उसके बाद में यहां पर वो एक और इंप्रूवमेंट कर सकता है उसकी जो एड ट्रिगर्स आते हैं, जो लाइक यहां पर ROG 2 के अंदर आपको यहां पर गेमिंग के अंदर करनी है वो सब चीजें हैं एड ट्रिगर्स, तो वो इस बार थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है। उसके अंदर आपको ये सपोर्ट देखने मिल सकता है कि यहां पर जो लेटेंसी है लाइक जो टच रिस्पांस है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। हालांकि ये वाला टच रिस्पांस भी काफी अच्छा है, इसमें अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा बेनिफिट के लिए वो थोड़ा सा इंप्रूव जरूर करेंगे। और यहाँ पर अभी 5G का मार्केट बहुत ज्यादा चालू हो गया कि 5G दो फोन आ चुके हैं 5G को लेकर, तो शायद Asus ROG 3 भी उसकी लिस्ट में जा सकता है। मे बी या वो एक ऑप्शन दे देगा कि 4G वाला वेरिएंट या फिर 5G वेरिएंट, दो वेरिएंट वो निकाल सकता है। सो यहाँ पर 5G नहीं भी आया तो कोई बड़ी बिग डील नहीं है क्योंकि इंडिया में अभी भी 5G के लगे पड़े हैं, तो 4G के ही लगे पड़े तो 5G की तो बहुत ही आगे की बात है। अब यहां पर रही बात प्रोसेसर की, तो यहां पर आपको 855 प्लस देखने मिलता है Asus ROG 2 के अंदर। सो यहां पर ऑफकोर्स Asus थोड़ा सा इंप्रूव जरूर करेगा क्योंकि जब Asus ROG 2 आया था तो वहां पर 855 प्लस का जो प्रोसेसर था उस टाइम पे सबसे पावरफुल प्रोसेसर आपको देखने मिलता था। एक्स मोड आप ऑन कर दोगे तो वहां पर आपको और हल्की फुल्की एक्स्ट्रा ओवरक्लॉकिंग देखने मिल जाएगी। सो यहां पर इस बार वो लेकर आ सकता है स्नैपड्रैगन 865 प्लस का प्रोसेसर लेकर आ सकता है। हालांकि अभी ये आया नहीं है मार्केट में, पर जब तक मैं अगस्त की बात कर रहा हूं तो यहां पर 865 प्लस का प्रोसेसर आपको ऑफ कोर्स देखने मिलेगा Asus ROG 2 के अंदर। रही बात यहां पर रैम वेरिएंट्स की, तो 8GB 12GB ये सब तो नॉर्मल अभी कॉमन हो गया है, ROG 2 साइज से 8GB के नीचे नहीं जाने वाला है। हाँ, अगर वो थोड़ा सा लाइट वेरिएंट निकालेगा, लाइक जो ज्यादा 38000 था ROG 2 का, अगर वो थोड़ा सा रैम वेरिएंट और मे बी यहां पर जो स्टोरेज है उसको थोड़ा सा कम करके 4 से 3000 रुपया और कम कर देगा तो थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा और कम में थोड़ा सा मिलना स्टार्ट होगा लोगों को। बॉक्स के अंदर इस बार 18 वाट ना देकर जो HyperX चार्जर है वो दे देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि HyperX चार्जर 2 से 2500 का आता है और ऑलरेडी मैं से यूज कर रहा हूं और मैं उसका वीडियो भी लेकर आने वाला हूं HyperX चार्जर से, अगर आप चार्ज करते हो या एक्स्ट्रा 2000 डालने वाले हो वो आपके लिए बेनिफिट भी है या नहीं, सो वो वीडियो के लिए भी बने रहना मेरे। थोड़ा सा डाउट है कि HyperX चार्जर आपको शायद से ना मिले क्योंकि कॉस्टिंग में थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है। लेकिन यहां पर बात रही Asus ROG 2 की कैमरास को लेकर, सो इसका वर्स्ट पार्ट बस यही है Asus ROG 2 का कैमरा जो मुझे थोड़ा सा अच्छा देखने नहीं मिला। हालांकि इसकी सेल्फी जो वीडियो है वो काफी अच्छी आती है, थोड़ा सा लाइट कंडीशन को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है इसका बैक कैमरा और थोड़ी सी मतलब अच्छी इमेज निकल कर नहीं देता है। अगर आपको फिर भी जानना है तो आई बटन में कैमरा कंपैरिजन किए थे, जाके चेकआउट कर लेना। इस बार इसका कैमरा ऑफकोर्स इंप्रूव होगा और शायद यहां पर आपको डुअल सेटअप कैमरा आपको पहले देखने मिलता था और इस बार आपको शायद से ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने मिलेगा। वाइड एंगल को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे तो ज्यादा अच्छा निकल कर आएगा Asus ROG 3। और वहां पर आपको 64MP का कैमरा में भी देखने मिलेगा क्योंकि जब ये आया था तब ये 48MP पर आया था, तो मुझे नहीं लगता कि पंचोल जैसा कुछ सीन आएगा क्योंकि यहां पर IPS डिस्प्ले नहीं रहेगा, यहां पर आपको SAMOLED डिस्प्ले देखने मिल सकता है जिसकी वजह से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको फोन के अंदर देखने मिलेगा। और रही बात स्टीरियो स्पीकर की, वो भी आपको वहां पर देखने मिलेंगे Asus ROG 2 के अंदर, जो पहले से थे ROG 3 के अंदर भी वही चीज देखने मिलेगी। अगर एक एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाए लाइक वो होगा वायरलेस चार्जिंग का, तो वहां पर थोड़ा सा अच्छा सा और एक प्लस पॉइंट निकल कर आ जाएगा Asus ROG 3 के अंदर। और यहां पर रही बात बैटरी डिपार्टमेंट की, तो 6000mAh की बैटरी देखने मिलती है 120 हर्ट्ज पर। इतना बेनिफिट होता है 6000mAh की बैटरी को यूज करना क्योंकि फोन थोड़ा सा बल्की सा है, मोटा है, हैवी है, तो शायद
इस चीज से बचने के लिए डिजाइनिंग का जो पार्ट है, जो उनके R&D टीम होती है, मे भी वहां पर जो फोन को थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो यहाँ पर 6000 तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस 6100 mAh की बैटरी आपको या 200 mAh की बैटरी मे भी देखने मिल सकती है। कि इसके अंदर आपको गूगल का स्टेडिया का भी ऑप्शन देखने मिलेगा, ये प्री इंस्टॉल होकर आएगा गूगल का स्टेडिया। अब गूगल स्टेडिया जिनको नहीं पता है तो सिंपल एंड शॉर्ट में बता दूं, आपके पास है प्ले स्टेशन या फिर कोई एक्सबॉक्स जैसे गेम कंसोल्स है, हाई ग्राफिक्स वाला PC जिसके अंदर आप मस्त वाले गेम खेलते हो, भारी जो हाई ग्राफिक्स के साथ गेम्स आते हैं, सो उनके लिए आपको चाहिए रहता है एक पावरफुल सिस्टम। सो यहाँ पर गूगल स्टेडिया की हेल्प की वजह से होगा क्या कि उनका जो मेन सर्वर रहेगा वो आपको देखने मिलेगा, गूगल के जो भी हेडक्वार्टर्स है वहां पर ही चले जाएगा और वहां से वो गेम रन होगा आपके फोन के अंदर, वो कास्ट होगा बेसिकली, आप उसके अंदर उसको कास्ट कर सकते हो, मतलब होगा कि आप फोन का ऐसे मॉनिटर डिस्प्ले यूज कर रहे हो और मेन इसका जो सर्वर चल रहा है, जो PC चल रही है गेमिंग के लिए, वो उनके सर्वर के अंदर चल रही है। सो आपके जितने भी हाई ग्राफिक्स प्लेटफॉर्म वाले गेम है वो आप अपने मोबाइल के अंदर इंजॉय कर सकते हैं लाइक वाया यूजिंग गूगल स्टेडिया। सो रही बात Asus ROG 2 के, सबसे अच्छा और मेरा फेवरेट फीचर है ये जो RGB वाला पार्ट है ना, ये वाला, यहाँ पर ये जो RGB है, जैसे आप फोन को पकड़ते हो तो आपकी RGB ऑलमोस्ट कवर हो जाती है यहाँ पर ROG 2 के अंदर। सो मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में ना रह के थोड़ा सा ऊपर रहे, लाइक यहाँ पर कहीं सेट हो जाए। सो जब आप सपोज इस तरीके से भी यूज करोगे तो आपकी जो RGB लाइट है वो ऑलमोस्ट पूरी विजिबल रहे और थोड़ी सी और ज्यादा वाइब्रेंट, मतलब लाइक धूप में थोड़ी सी कम हो जाती है, पता नहीं ये कैसे होगा, बट थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा तो मजा आएगा। तो देखो यहाँ पर ये रीजन इसलिए बता रहा हूँ RGB का क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिसकी वजह से होता है कि लाइक मैं अगर कहीं बाहर चल रहा हूँ और नाइट मोड में होता ज्यादातर है, लाइट 5 से 6 बजे के बाद में जब आप यहाँ पर इस RGB को रखते हो तो ये फुल विजिबल होने लगती है, लोग देखने लगते हैं क्या चल रहा है भी? और बहुत से लोग पूछते भी है कि कौन सा फोन है, और कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन लाइट और भी कहीं RGB जैसा पार्ट देखने मिल जाए तो वो भी मजा आएगा। सो जब ROG 2 ने अपनी प्राइसिंग अनाउंस की थी तो लिटरली वो काफी किलर निकल कर आई थी, और पता नहीं जितने ये स्पेक्स हमने यहाँ पर ग्रो किया है, प्रोसेसर भी ग्रो किया है, तो जिस हिसाब से देखने जाएंगे तो यहाँ पर ROG 3 की जो प्राइसिंग है वो 40 प्लस जा सकती है, या 38 के अंदर रही या 35 से 40 के अंदर भी रही तो काफी किलर होगा। लेट्स सी अभी वो जब वो मार्केट में आएगा क्या कमाल करेगा। और मैं एक बात और रिक्वेस्ट करता हूँ Asus वालों से, अगर आप जब ROG 3 निकालोगे तो कोशिश ये करना कि जितने भी आपके कंज्यूमर है या जितने भी आपके ग्राहक है, जितने लोगों को फोन चाहिए, सभी को वो फोन मिले, क्योंकि ROG 2 को लेकर लोगों में बस यही कंप्लेंट रहेगा कि फोन तो बहुत आया बट फोन पब्लिक को मिला नहीं। सो यही एक बात है कि अगर ROG 3 निकालो सो मार्केटिंग या दूसरे यूट्यूबर्स पर जाने से खर्चा करने से अच्छा आप अपनी प्रोडक्शन लाइन में फोन ज्यादा बढ़ाओ ताकि सब लोगों को फोन मिले। सो गाइस ये थे मेरे यहाँ पर Asus ROG 3 के जो मैंने स्पेक्स आपको बताए, ये फोन निकल कर आ सकता है Asus ROG 3। सो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो का लाइक का टारगेट भी कंप्लीट कर देना, फ्यूचर में और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं और भी कुछ जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो दोस्तों आज की इस टेक की पाठशाला में मेरी तरफ से बस इतना ही।